सो गाइस, मैं मौके पे चौका मारना चाहता हूँ। सजनी सजनी चोरी चोरी लिख छुप के दिने राती स्विच स्विच के ऐसे लिम्बल लो दीवाना। चोरी चोरी लिख छुप के दिने राती स्विच स्विच के। Hey guys, you are watching Roshan and Deepika and welcome back to our new vlog. So guys, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे दोस्त सात समुंदर पार से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं हम लोग से मिलने के लिए। तो मुझे तो बहुत खुशी लग रहा है। एंड तो उन लोग से हम लोग अभी जा रहे हैं मिलने के लिए। और दीपिका से तो ज्यादा खुशी मुझे लग रहा है क्योंकि मैं मेरा लाइफ में इसे कभी हुआ नहीं है कि मैं कोई फॉरेन लड़की से मिलूंगा क्योंकि मैं बस रौलकला का इधर उधर लड़के लोग से मिला हूँ, फॉरेन का कोई लड़की से मिला नहीं हूँ। तो ज्यादा खुशी लग रहा है मुझे। तो क्या आज हैंडशेक करोगे और ऐसे पकड़ के ही रह जाओगे क्या उनसे? मैं सोच रहा हूँ मैं हैंडशेक करूंगा और मैं हाथ ही नहीं धोऊंगा, मैं लैमिनेशन करूंगा। अरे बाप रे। तो चलो हम लोग अभी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो वो लोग पहुंच गए हैं, हम लोग लेट कर दिए। हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं फटाफट एंड आप लोग को भी मिलवाएंगे। हाँ ठीक है, ये बिना नहा के आए आप लोग? तो गाइस अभी हम लोग आए हैं गुपचुप खाने। गुपचुप खाने नहीं, गुपचुप खिलाने। तो देख सकते हैं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है। मुझे भी अजीब लग रहा है। मतलब मैं बताऊँ ये क्या बोल रहे थे, उत्तर गाड़ी से उतरने से पहले मेरे को डर लग रहा है, थर थर। हाँ मुझे, क्योंकि मैं हाँ कभी मिला नहीं था फॉरेन का कोई लड़की से, तो थर थर ही लग रहा था मुझे। अच्छा ये आप लोग के वहाँ ऐसे गुपचुप मिलता है कि नहीं? मिलता है। नया चीज़ नहीं है लेकिन ये मतलब टेस्ट। अच्छा हाँ, तो आज हम लोग हाँ नहीं मिल तो टेस्ट करके आज बताएंगे वहाँ का और यहाँ का कैसे रहते हैं। एंड मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ था। ची ची ची। तो रिटेक ले रहे गए हम लोग। तो आप लोग के यहाँ कितना में मिलता है? $20 के 10 मतलब $20 मतलब $1,000 ऐसे बात नहीं, हम लोग 20 रुपीज में एक गोलगप्पे दे देंगे आप लोग को। नहीं आज 1,000 रुपीज का हम लोग इन लोगों को खिलाएंगे तो ये लोग यहीं पर सोए रहेंगे। और मुझे लग रहा है आज आधा घंटा या एक घंटा का ब्लॉग बनने वाला है। और कुछ कुछ बोलो, उधर घूमेंगे तो बहुत जगह हमें जाना है। बहुत जगह घुमाना है। कितना दिन रहेंगे ये लोग? आ जाए हैं 2-4 दिन रुकेंगे। जितना दिन रुकेंगे उतना दिन गुपचुप खिलाएंगे यहाँ का। इस साल का पहला और आखिरी बार मिल रहा है। इस साल का क्या मतलब? फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लास्ट टाइम नहीं। कैसे लगे यहाँ का गुपचुप? मस्त। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग कैमरा ऑन कर दिए तो मस्त लग रहा है, लेकिन इधर ये लोग तीखा खाते नहीं है तो यहाँ का तीखा देख के डर गए। अरे मैं तो इससे ज्यादा तीखा खा सकती हूँ। ऐसे क्या, रुको और एक बनो, और एक बनो, और एक मिर्चा वाला। हाँ तो फाइनली कैसे लगा? सच में बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट टाइम मैंने डिफरेंट डिफरेंट पनीर ट्राई किया, बहुत अच्छा। मुझे वो धनिया वाला, मुझे मीठा वाला क्योंकि उसको तीता पसंद नहीं है ना। अरे पसंद है। मैं भी मिठाई खाता हूँ। और हाँ, एज कम्पेयर टू जैसे कि तुम लोग का $20 में 10 पीस, हाँ सोचो 20 में तुम लोग इतना खाए। एक गुपचुप की जगह सब लोगों ने खाया। तो ठीक है, सभी हम लोग और कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं है लेकिन जाएंगे। हम लोग को इतना भूख लगा था कि हम लोग इन लोग से इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गए थे, तो अभी मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो ये है रेशमा और मैं हूँ रोशनी। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम ओडिशा ओनली। मतलब ओडिशा, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, सब तरफ से सब कुछ मिक्स वाले हैं ये लोग। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये लोग को हिंदी नहीं आता, पर ये लोग को पूरा अच्छी तरीका से हिंदी आता है एकदम मस्त। हम हिंदी क्लास भी ले सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट करिए। मुंडा भी आता है, सादरी भी आता है, सब आता है। मतलब ऑलराउंडर है ये लोग।
और हम लोग अपना क्या कल्चर लैंग्वेज भूल जा रहे हैं, लेकिन ये लोग भूले नहीं है, बाहर रहते हैं लेकिन भूले नहीं है। ठीक है, मुंडा में कुछ बोल दो ताकि वो लोग बता सके कि तुम लोग क्या बोले हो। तो क्या बोलूं मैं? अरे वो तुम कुछ भी बोल ताकि वो लोग बता सके ना। सो गाइस तुम रोशनी था ना, अडोनी इया बहन रेशमा, अडोनी दीपिका रोशन, इनके पर बेसादा के ना निकलो मिला के। तो मुझे भी समझ नहीं आया गाइस, आप लोग हम लोग को बताइए कमेंट करके कि ये लोग क्या बोले। हाँ, जो लोग मुंडा है वो लोग तो बता ही सकते हैं। और ये लोग के बारे अगर डिटेल में जानना है तो आप लोग इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए देखिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स ही बनाते हैं। चैनल है कहाँ है क्या है? चैनल है, चैनल है, डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड क्या बोलते हैं, यहाँ का तो वो लोग नहीं बनाते, जहाँ रहते हैं वहीं का कल्चर दिखाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं वो सब दिखाते हैं। तो यहाँ का भी आएगा व्लॉग, अभी भी आएगा, डायलॉग शुरू किया यहाँ का, तो आप लोग देख सकते हैं। चैनल का क्या नाम है तो बता दीजिए। स्किनी गर्ल्स डायरी। क्योंकि हम लोग उधर का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं पाते, मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं बचपन से सादरी स्कूल में पढ़ा हूँ तो। एंड हाँ, ये भी बताना कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये भी आप लोग के लिए टास्क रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। फर्स्ट सही कमेंट करेगा दीपिका प्राइस देगी। ठीक है, दे दूंगी, बहुत सारा सामान। इसका प्राइस ही पेंडिंग है, वो पिछला ब्लॉग में बोली थी। हाँ, डांस कर रही थी, उसमें पूछे थे मैं कौन हूँ पहचानो, तो उसको चॉकलेट मिलेगा, पर अभी तक ये दिए नहीं है। दूंगी। तो सो गाइस अभी हम लोग आए हैं हमीरपुर चर्च तरफ घूमने, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आए हैं और पता नहीं है लोगों को, तो हम लोग घुमाने लेके हैं। तो अभी जाएंगे थोड़ा उधर घूमेंगे, यहाँ से फिर और कहीं कहीं जाएंगे, एंड लास्ट में पूछेंगे ये लोग को कैसा लगा। वो तो बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले तो इन्होंने वेलकम किया गुपचुप से, जो बहुत धुआं था। हाँ, पूरा धुआं निकल गया है लोग का गुपचुप खा के, क्योंकि इधर फर्स्ट ट्राई किया हमने, क्योंकि हम लोग के इंडिया में बहुत तीखा खाते हैं और उधर खाते नहीं है, तो आदत नहीं है। इनका नाक में क्या बोलते हैं पसीना निकल गया था झाल से। तो ठीक है गाइस, ज्यादा बकर बकर नहीं करते हम लोग, अभी चलते हैं। चलिए, इधर है चर्च। फिर मुझे ऐसा लगा कि सो गए, लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, कैमरा ऑफ हो गया, उसके बाद ये लोग सही बोले कि नहीं। ये कुछ भी ये लोग ठाक रहे गए, हम लोग को ऐसे कुछ नहीं, कैमरा देखने की आदत नहीं है ना। तो बता देना अगर गलत हुआ होगा तो, और अगर गलत हुआ होगा तो साथ खून माफ, और गलत हुआ होगा तो माफ मत करना ये लोग को। ये लोग का चैनल में जाके बोलना, बोल देना। सो गाइस अभी चल रहा है क्रिसमस वीक, तो हम लोग लेके आए थे लोग को क्रिसमस सेलिब्रेशन कैसे चल रहे हैं यहाँ दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पे है चरनी, तो ये लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेतलहम नगर, तो ये लोग देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके बेतलहम नगर। क्या दिखा, क्या दिखा, रियल फिश है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे रियल फिश भी है, घूम रहे हैं छोटे छोटे बेतलहम नगर में। तो ये लोग आए हैं बेतलहम नगर देखने, तो कैसे लगा? वो कोई बेहोश हो गया वहाँ पे, कोई बेहोश हो गया इसलिए नहीं, वो बाहर में बैठ के धूप सेका रहे। हाँ, तो गाइस हम लोग आए हैं दिन में, तो थोड़ा सा दिन का व्यू उतना पता चल रहा है कि नहीं पता ना, शाम को। हाँ, तो शाम को मैं अच्छा था। वो देखो वो शीप सीढ़ी से चल रहा है। रोशन को पर इसको लड़की नहीं मिल रही है। हाँ, लड़की तो यहीं पे खड़ी है। हाँ, दो लड़की खड़े, मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ। दो लड़की खड़े हैं। हाँ, चार लड़की खड़े हैं, लड़की नहीं कर पा रहा है। हाँ, इसको इसको साइड में रखते हैं। और गैस इधर मेरा ब्लॉग बन रहे हैं। ओह, मुझे और बहुत कुछ जानना है, मतलब वहाँ कैसे क्या होता है, क्योंकि मैं नया किसी से मिला हूँ। और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे क्रिसमस होता है कि और कैसे होता है? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पर होता पर यहाँ का ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्या, क्योंकि हम यहीं पे रहते थे। और क्या तुम्हारे वहाँ भी ऐसे होते हैं? मेरे यहाँ ऐसे होता है। गैस बंद कर दो। और एक क्वेश्चन पूछने वाले थे रोशन की, जैसे कि यहाँ पर लड़के लोग लड़कियों को देखते हैं तो ऐसे छिछोरागिरी करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं क्या? इंडियन लड़के करते हैं, इंडियन लड़के स्टूडेंट्स, इंडियन फॉरेनर्स भी करते हैं। जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ पे, हां, तो बर्गर लेने आते थे तो फिर लाइक नंबर वगैरह मांगते थे। ओह माय गॉड, नंबर है, मतलब खुलेआम, खुलेआम यंगस्टर्स, मतलब 15 साल, 15-16 साल, छोटे छोटे एज के, बाकी तो ठीक है। मतलब इंसान इंसान अपना दिखा देते हैं, जहाँ भी रहो, या इंडिया में रहो या ऑस्ट्रेलिया में रहो। हाँ,
और क्या जानना था? सेम चीज ही होती है। नहीं और बहुत कुछ जानना है, बट धीरे धीरे जानेंगे। तब तक के लिए हम लोग इधर घूमते हैं। सो हम लोग की क्यूट सी सब्सक्राइबर मिलने आई थी हम लोग से, हम लोग जब गिरजा में थे। आपका नाम क्या है? लिया डंगडंग। लिया डंगडंग। लिया डंगडंग। ए लिया तो उसको बोलते हैं ना, मुड़ी को। नहीं नहीं नहीं, क्यूट से बच्ची को बोलते हैं लिया। और ये बहुत क्या बोलते हैं इसको, सारा बिनती आता है ना मैया आपको? सारा बिनती आता है ना। बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। आप कौन से क्लास में हो? क्लास 3 है। क्लास 3 में। तो हम लोग गिर जाए थे तो ये भी थी यहाँ पर और हम लोग को देख के आई, ढूंढ ढूंढ के आई। सो गाइस हम लोग ये लोग को शहर तो बहुत घुमा लिए, तो अभी लेके आए हैं हम लोग वो जगह जहाँ पर हर नागपुरी वीडियो शूट हुआ है। अब शहर तो आप लोग बहुत घूम चुके होंगे, बट ये जगह कुछ खास है, इसलिए हम लोग ये लोग को दिखाने के लिए आए हैं। वो जगह है ये, तो बताइएगा इस कैसे लग रहा है ये जगह। पहले तो आप लोग बताइए कैसे लग रहा है ये जगह। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मिनी बीच, शहर से भी अच्छा। हाँ ये लोग बोल रहे हैं कि राउरकेला में होती तो ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, बीच जैसा लग रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं, मन में कुछ कुछ ख्याल आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे रील्स बनाने का, और देखते हैं और क्या क्या होता है। सो गाइस आए थे हम लोग नदी तरफ घूमने, तो सोचे कुछ रील्स भी बना लेंगे। तो देख सकते हो पीछे तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ये लोग तो प्रैक्टिस, ये लोग का प्रैक्टिस हो गया, बट मैं डायरेक्ट जाके करूँगा तो मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। फिर भी देखते हैं क्या होता है, एंड मेरा डांस आता है कि नहीं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है क्योंकि मैं आज कोई ऑस्ट्रेलिया लड़की लड़कियों से बनाऊँगा रील्स, तो मेरा दिल भी धक धक कर रहा है, डर डर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बट देखते हैं गाइस क्या होता है। सो गाइस इधर देख सकते हो हमारे तीन हीरोइन लोग इधर फोटो उठा रहे हैं, और हम लोग आ गए हैं उधर नदी तरफ से, एंड बहुत थोड़ा टायर्ड भी लग रहा था। एंड हम लोग हैं अभी राउरकेला का जहाँ पे हॉकी स्टेडियम, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बना है वहाँ पे हैं, और ये एक सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। तो देख रहे हैं लोग फोटो उठा रहे हैं, और ये लोग आईफोन पकड़े हैं। सो गाइस हम लोग नदी तरफ घूम लिए और इधर आए हैं राउरकेला एयरपोर्ट के साइड में, जो ये वो स्टैचू है उसके पास आए हैं, और हम लोग कुछ करने वाले हैं गाइस। रोशन को मैं एक टास्क दी हूँ तो वो करेगा, तो वो छुप छुप के करेगा बोल रहा है, तो ये है, ये करेगा कि नहीं पता नहीं। आपको जो टास्क मिला है वो करोगे कि नहीं? आप कर सकते हैं जैसे लग रहे हैं। एंड गाइस मुझे डर लग रहा है, बहुत दिन के बाद मैं लड़की को ऐसे करने वाला हूँ, और दीपिका का तो काफ़ी निकलता नहीं है, आई लव यू बोल के काफ़ी निकलता नहीं है, तो मेरा प्रैक्टिस छूट गया है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा। सो गाइस मैं मौके पे चौका मारना चाहता हूँ, तो मेरे पीछे तरफ कोई है, एक फॉरेन का लड़की, मतलब फॉरेन से आए हैं, फॉरेन का तो नहीं है पर हाँ ऑस्ट्रेलियन लड़की है, ऑस्ट्रेलियन लड़की। तो मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे सामने दो दो आईफोन इधर देख रहे हो, तो चल रहे मैं कैसे क्या करूँगा सजन हक, मैं कौन है रश्मा और नहीं नहीं वो रोशनी है, वो रोशनी है। तो मैं एक टास्क दी हूँ इनको, तो ये कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं देखते हैं। क्या क्या बोलो, ये भगवान इतना डर गुंगा हो गया। ओ माय गॉड। हाँ तो मैं पहली बार कोई फॉरेन लड़के है, फॉरेन बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन लड़की से हाथ मिला रहा हूँ, तो मुझे थरथरे भी लग रहे हैं। तो हाँ और मैं क्या बोली थी, नहीं मैं बहाना मार के कुछ भी कर दे रहा हूँ, तो मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ, नजर मिलाने वाला। मेरी नजरें नहीं है, नहीं
आंखें डाल के देखना है। वन टू थ्री स्टार्ट। ये कौन सा आंखें मिलाने हो गया? हाँ, ये बोलते हैं प्रैक्टिस था। वन टू थ्री स्टार्ट। माय गॉड। तो हाँ, कौन जीता? कौन जीता? वो तो हंस दिया, आप जीते। तो कैसे लगा नजर? रोशन जीते। मैं सोच रहा हूँ आज यही मौका है जितना हो सके मैं फ्लर्ट कर लूँ। और देखो हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये मेरा पता कट गया। क्या क्या? सिंगल था मैं भी। सिंगल हूँ। अच्छा, आप सिंगल हो? मैं मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ है। ओह माय गॉड, सो टास्क कंप्लीटेड। अरे हाथ तो छोड़ो। और अभी मैं इसको और हाथ नहीं धोऊंगा। इसको लैमिनेशन करके रख दूंगा। सोच रहा हूँ इसका आंख में देखो, ये रो रहा है। नहीं नहीं, मेरा सच में थरथरी लग गया, थरथरी लग गया। मैं ट्रायल करना चाहता हूँ। यही प्लानिंग चल रही थी। कैसे लगा अभी मेरा नया गर्लफ्रेंड देख के? हंसी लग गया, हाथ छोड़ी नहीं। तो ऐसे कुछ नया पहली बार कर रहा हूँ मैं पब्लिक में। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे किसी को प्रपोज कर रहा हूँ। मुझे भी ऐसा फील हुआ। बट क्या करें ना, आई एम ऑलरेडी मैरिड। नहीं ऐसे नहीं है, क्या है, प्रपोज कर तो दिए, हो गया, टूट गया, अब क्या करें। और आज हंस हंस के हम लोग का यहाँ पर दुखने लग रहा है, क्योंकि हम लोग गैस हम लोग थक गए थे उधर नदी में घूम घूम के रील्स बना बना के। तो सोचे थोड़ा बहुत फन हो जाएगा, तो फ्रेश हो गए, थोड़ा चेयर फुल हुआ। कैसे लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। चल अभी फोटो उठा दो। हाँ बहुत हो गया, अभी गैस हम लोग फोटो उठाएंगे और फिर कुछ खाएंगे। हाँ कुछ खाना भी है। सो अभी हम लोग हैं अम्बागान का फूड कोर्ट में। तो हम लोग सोचे कि उधर तो इसे मिलता होगा कि नहीं, तो हम लोग ये लोग को खिलाने लेके आए हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड। तो देख रहे हैं लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और थक गए हैं, भूख भी लग रहा है और नहीं आ रहा है खाना। हाँ क्या बोलूँ, वो से हाँ पानी आ रहा है इसका मुँह से। इसको ऐसे ही तड़पाएंगे आज। क्यों भाई? बोल दूंगा मैं, बोल दूंगा उधर थोड़ा लेट से लाना बोल गया। हाँ तो क्या? हाँ अच्छा, ये अमेरिका में, ओह अमेरिका बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ इसको कट दूंगा ना। हाँ ओके कट। क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे स्ट्रीट फूड मिलते हैं? मिलता है यही सब? में नहीं मिलता है। हाँ प्रॉपर होता है, ऐसे रहता है ना कुछ। अच्छा ये लोग को यहाँ का सब लैंग्वेज आता है, हिंदी और सादरी। अच्छा हाँ एक टास्क देता हूँ। हाँ सादरी वाला टास्क देता हूँ मैं। मान लो तुम लोग आए हो हाँ यहाँ अम्बागान का फूड कोर्ट और आप लोग को ऑर्डर करना है कुछ भी, तो कैसे ऑर्डर करोगे? क्या सादरी में बोलना? हाँ सादरी में ऑर्डर करना है। ओके रुको, कुछ भी ऑर्डर करना है ठीक है। ओके एक प्लेट वेज मोमो, क्या बोलते आगे मुझे दिया था, और एक क्या था, चिली चिकन। चिली चिकन बस इतना ही चाहिए? चाहिए चाहिए पूरा स्पाइसी मायर के पूरा टकाटक। हाँ बना के दे दे, तो पैसा नहीं दे मुझे। अरे परफेक्ट मस्त बोली रेशमा मुंडा में बोली। हाँ हाँ प्लेट मोमोज अडो मिया प्लेट चिली चिकन चाहिए चाहिए का चाहिए। हाँ एम कम सॉरी, एम कम। ये तो सही था। हाँ ये तो सही था, लेकिन आप लोग अभी हो ओडिशा में। हाँ, तो ओडिया में ही बोलना पड़ेगा। ओडिशा मैं सिखा दूंगा। हाँ, बोलो मते, क्या बताऊँ? नहीं नहीं हाँ मतलब क्या, कौन सा जानना चाहोगे? क्या बोलूँगा? नहीं थोड़ा सा बस। हाँ तो क्या कहो, क्या बोलूँगा ओडिया में? मोमोज एक प्लेट दे दो। हाँ मोते मोमोज गोटे प्लेट दियो। मोते मोमो गोटे प्लेट दियो। मोते मोमोज मोते मोमो एक प्लेट दियो। तो जान रहे लड़की लोग, अगर दो चार लड़की मिल जाते हैं तो खाने से पहले फोटो उठा लेते हैं, तो वही काम चल रहे हैं। ठीक है तो बाय बाय, जय शु जय शु जय शु। नहीं दिख रहे, मौके में ठीक है अभी मेरा पाली।
दीपिका बोल रही है अंधेरा में।